क्रिकेट इजंट इट, और ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया गया था 1975 वर्ल्ड कप, बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ फैंटास्टिक इवेंट। नाज़रीन अब हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो विल टेल यू अबाउट द थ्रिलिंग मैचेस जो कि 1975 वर्ल्ड कप में खेले गए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाज़रीन। हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि कुछ थ्रिलिंग मैचेस की बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। बहुत ही सनसनीखेज ये मैच हुआ। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग तो लग ऐसा रहा था कि पाकिस्तान जो है ये मैच आसानी से जीत जाएगा, लेकिन एक बड़ी सनसनीखेज लास्ट विकेट पार्टनरशिप हुई बिटवीन डेरेक मरे एंड एंडी रॉबर्ट्स, और विद टू बॉल्स लेफ्ट दे वन द गेम फॉर वेस्ट इंडीज। जी आपने देखा पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, अ रियल थ्रिलर। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा मैच हुआ, सेमीफाइनल था, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। हेडिंगली में खेला गया, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, स्विमिंग पिच थी जो कि आइडियल था इंग्लैंड के बॉलर्स के लिए, और मगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत चुका था 4 विकेट्स के साथ, एंड इट वॉज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम। आइए देखते हैं। What a thrilling match! और इसके बाद वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा सेमीफाइनल खेला और बड़े आराम से जीत गए, एंड सो टू द फाइनल। फाइनल वॉज रियली रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने पहले बॉलिंग की और वेस्ट इंडीज एट वन स्टेज 3 विकेटें उनकी गिर चुकी थी, और जब क्लाइव लॉयड आए उनके कप्तान, एंड इट और इट वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर पाकिस्तान, लेकिन ओवरऑल क्रिकेट हैड वन, सो इट वॉज अ ग्रेट एंडिंग टू द 1975 वर्ल्ड कप। 1975 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की कप्तानी आसिफ इकबाल ने की। हालांकि उस वक्त इंतखाब आलम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन होते थे, लेकिन सेलेक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि इंतखाब आलम बीइंग अ स्पिनर इतने साजगार नहीं रहेंगे फॉर द वर्ल्ड कप, और सीमर्स के ऊपर प्रेफरेंस दी गई जिसमें यंगस्टर्स को नसीर मलिक और मीर को इन्होंने सेलेक्ट किया। उसके बाद ये भी सोचा गया कि अगर लेग स्पिन की ज़रूरत पड़ी तो मुश्ताक मोहम्मद और वसीम राजा दोनों लेग स्पिन करा सकते हैं, तो पाकिस्तान टीम की कप्तानी फिर आसिफ इकबाल को दी गई। आसिफ इकबाल हमारे साथ लाइन पे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। अच्छा, 1975 के वर्ल्ड कप में आसिफ साहब आप कप्तान थे पाकिस्तान के, तो ये सबसे पहले तो ये बताएं कि बिफोर द टीम लेफ्ट क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, आपकी टीम की आप किस तरह से स्ट्रेंथ गेज कर रहे थे? देखिए पहला वर्ल्ड कप था और वनडे इंटरनेशनल ओडीआई जो होते थे उस पहला वर्ल्ड कप था। नहीं, आप कनाडा तो 1979 में खेले थे, आप 1975 में आपका पहला मैच 7 जून 1975 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही था, और ऑस्ट्रेलिया ने एक वक्त पे आपने उनको बड़ी अच्छी पोजीशन पे पकड़ लिया था, 195/6 थे, पहले बैटिंग कर रहे थे, फिर रॉस एडवर्ड्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, वो 278 तक पहुंच गए थे, और फिर आप लोग 104/4 हो गए थे, माजिद के 65 थे, लेकिन आपकी और राजा की पार्टनरशिप लगी थी। आपको ये बताएं कि किसी एट एनी स्टेज डिड यू फील कि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को वनडे क्रिकेट खेलने का ज्यादा तजुर्बा नहीं था? जी हाँ, उनको था ना, हमें था, लेकिन यकीनी तौर पर मतलब जो हम बैटिंग कर रहे थे और जब जैसा कि आपने बताया कि 4 आउट हो गए थे, उसके बाद एक पार्टनरशिप का था। जी बट कमिंग टू द सेकेंड मैच, आप अस्पताल में थे, मुझे याद है कि उस वक्त खबर आई थी कि आप अस्पताल में ये मैच देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे, जो कि एजबेस्टन बर्मिंगम में खेला जा रहा था वर्सेस वेस्ट इंडीज, उसकी कप्तानी माजिद खान कर रहे थे। फिर कुछ उस मैच के बारे में बताएंगे, आप कॉन्फिडेंट थे कि हम जीत सकते हैं एट सम स्टेज? नहीं देखिए, ये बात गलत है कि मैं मैच वॉच कर रहा था, बिकॉज उस जमाने में 1975 वर्ल्ड कप में कुछ बड़ी अनयूजुअल चीज़ें भी हुई, जिसमें से एक सुनील गावस्कर की बैटिंग थी। इंडिया का ये पहला मैच था वनडे और वर्ल्ड कप का पहला मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड ने तो कोई 300 के ऊपर रन बना लिए, लेकिन जब इंडिया की बैटिंग आई तो सुनील गावस्कर ने इतनी स्लो बैटिंग की कि पूरे 60 ओवर खेले और सिर्फ 36 रन बनाए, और इंडिया खाली 132 रन बना सका। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच, लेकिन दैट वॉज प्योर क्रिकेट, क्लासिक क्रिकेट इनफैक्ट, कि जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का राउंड मैच पड़ा, 7 विकेट्स से ये मैच जीत गया, लेकिन द बैटल वाज ऑलवेज रिमेंबर्ड एज लिली वर्सेस कालीचरण, क्लासिक क्रिकेट बाय कालीचरण। वर्ल्ड कप स्टोरीज आप देख रहे हैं नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं तो और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको बताएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वॉचिंग वर्ल्ड कप स्टोरीज।
1975 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एक एडवांटेज थी कि काफ़ी ऐसे प्लेयर्स थे जो काउंटी क्रिकेट खेलते थे इंग्लैंड में और ख़ास तौर पे वनडे टूर्नामेंट्स खेलते थे। माजिद खान, सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल, ये सब, सरफराज नवाज, ये सब जो है इंग्लिश काउंटीज़ में खेलते थे। बल्कि इत्तेफाक से हमारे पास वन ऑफ दीज प्लेयर्स इज़ ऑनलाइन और वो है सादिक मोहम्मद। तो आइए उनसे भी बात करते हैं अबाउट द 1975 वर्ल्ड कप। अस्सलाम वालेकुम सादिक, हम 1975 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं और उसमें दो मैचेस पाकिस्तान ने खेले थे, दोनों बड़े इंटरेस्टिंग रहे। पहले मैं ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात करता हूं। एक वक्त था कि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रहा था, हमने उनको 195 फॉर 6 कर लिया था, फिर वो 278 बना गए, रॉस एडवर्ड्स ने 80 नॉट आउट बनाए थे। और दूसरे जब पाकिस्तान चेस कर रहा था तो माजिद खान ने 50 बनाए थे, आई थिंक ही स्कोर्ड अबाउट 65। और एक वक्त ऐसा था कि आसिफ इकबाल और वसीम राजा की पार्टनरशिप लग गई थी और हम टोटल के करीब पहुंच सकते थे। कुछ याद है आपको वो मैच? जी हाँ, ये शॉर्ट फॉर्मेट का पहला वर्ल्ड कप था और ये काफ़ी इनएक्सपीरियंस थी सब टीमें और उसके अंदर ये इसको खेलने का किसी को तरीक़ेकार किस तरीके से रन से बना, वाकई अगले नेक्स्ट वर्ल्ड कप के अंदर हमने उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस भी की, उसके लिए काफ़ी डिस्कशन भी हुई है। तो सेकंड वर्ल्ड कप में हमने हमारी कारकर्दगी काफ़ी बेहतर थी जी। और दूसरा मैच था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, पाकिस्तान एक विनिंग पोजीशंस में था। एक तो पहले बैटिंग की थी और 266 रन बना लिए थे जो कि उस ज़माने में बड़ा अच्छा स्कोर होता था, और वेस्ट इंडीज़ को एक वक्त में 166 फॉर 8 कर दिया था, फिर 206 पे उनकी नवी विकेट भी गिर गई थी। क्या वजह थी कि हम वो मैच नहीं जीत सके? के अंदर बहुत बहुत ही बड़ी तस्वीर है वो, जिसमें 200-300 आदमी को उन्होंने, प्लेयरों को और ऑर्गेनाइजर्स को और मीडिया को सबको जमा करके उन्होंने लिया था। वो वाकई एक बहुत यादगार चीज़ है वो। बहुत शुक्रिया सादिक, 1975 के मैचेस के बारे में आपने हमें बताया, वंस अगेन थैंक यू। अब देखते हैं 1975 वर्ल्ड कप में टॉप 5 बैट्समैन और टॉप 5 बॉलर्स कौन थे। थैंक यू सुहेब, बात करते हैं वर्ल्ड कप स्टोरीज में 1975 के वर्ल्ड कप की और जिक्र करेंगे पहले सबसे ज्यादा स्कोर किसने किया है 1975 के वर्ल्ड कप में। तो सबसे ऊपर हैं न्यूजीलैंड के ग्लेन टर्नर, जिन्होंने 4 मैचेस में 333 रन बनाए, अनबिलीवेबल, और 171 इनका हाईएस्ट स्कोर था, नॉट आउट, ब्रिलियंट बैटिंग एवरेज देखें 166.50। उसके नीचे हैं डेनिस एमएस, 4 मैचेस में इन्होंने 243 बनाए, 66 इनका एवरेज है, सबसे बेस्ट स्कोर इनका था 137। और उसके नीचे हैं माजिद खान, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक, 3 मैचेस में इन्होंने 209 रन बनाए थे, कीथ रिचर्ड, जिन्होंने 4 मैचेस में 207 रन बनाए ओवरऑल, और एलन टर्नर, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से, 5 मैचेस में इन्होंने 201 रन बनाए, 101 इनका हाईएस्ट स्कोर रहा बैटिंग में 1975 के वर्ल्ड कप के लिए। और अब जिक्र करते हैं लीडिंग विकेट टेकर्स का, जिसमें आपको बताते चलें कि 1975 के वर्ल्ड कप में सबसे ऊपर है गैरी गिलमोर, ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक, 2 मैचेस में इन्होंने 11 विकेटें हासिल की, अनबिलीवेबल। 6 इनका बेस्टेस्ट विकेट टेकिंग स्कोर रहा है, 6 विकेटें हासिल की थी 14 रन बेगर, और उसके नीचे है बर्नार्ड जूलियन, जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज से, 5 मैचेस में इन्होंने 11 विकेटें हासिल की, 4 इनका सबसे बेहतरीन रहा विकेटे में रिकॉर्ड लेना, और इसके अलावा इन्होंने 20 रन पे 4 विकेटें हासिल की थी, कीथ बाउस, 5 मैचेस में 10 विकेटें हासिल की, 50 रन देकर 4 विकेटें हासिल करना 1975 के वर्ल्ड कप में इनका बेस्टेस्ट था। इसके अलावा डेल हेडली, जिन्होंने 4 मैचेस में 8 विकेटें हासिल की, 3 इनका बेस्टेस्ट था, और एंडी रॉबर्ट्स, वेस्ट इंडीज से इनका ताल्लुक, 5 मैचेस में 8 विकेटें हासिल की। सो दिस इज हाउ इट वाज इन 1975 वर्ल्ड कप, जहां पर टॉप स्कोरर्स और टॉप विकेट टेकर्स हमने आपके साथ शेयर की। ओवर टू यू सुहेब बैक। And that was the 1975 World Cup for you. Top 5 batsmen, top 5 bowlers आपने देखे। इसके अलावा जबरदस्त फील्डिंग भी हुई और विव रिचर्ड्स की जो फाइनल में 3 रनआउट से, दैट वॉज फैंटेस्टिक। तो नाजरीन, 1975 का वर्ल्ड कप जो कि एज एन एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, वो इतना सक्सेसफुल हो गया और प्रॉफिटेबल भी रहा ये वर्ल्ड कप फॉर ECB। उस ज़माने में ICC नहीं ऑर्गेनाइज करती थी, होम बोर्ड ऑर्गेनाइज करता था। तो ECB को भी दोबारा हिम्मत आई कि हम दोबारा वर्ल्ड कप करते हैं, प्रूडेंशियल एश्योरेंस जिन्होंने स्पॉन्सर किया था वो भी राज़ी हो गए, और अगला टूर्नामेंट डिसाइड हुआ कि 1979 में खेला जाएगा, लेकिन दोबारा इंग्लैंड में खेला जाएगा। अगेन जैसे मैंने बताया, 60 ओवर्स टाइम्स 2, 120 ओवर्स जो हैं वो इंग्लैंड में ही हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द लॉन्गर डेज।
तो 1979 का वर्ल्ड कप बताने के लिए हम कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ, और बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप था, जबरदस्त फाइनल था। स्टे विद अस एंड जॉइन अस टुमारो नाइट। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।